एक मिनट सबर करे, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबा बहन, ये बताएं कि वो समी को लेकर आपकी तरफ तो नहीं आई? मैं कब से ऑफिस से आ गया हूँ लेकिन घर पे कोई भी नहीं है। नहीं अफराद भाई, यहाँ तो कोई नहीं आया। दोनों तो घर पे थे, मैं अभी थोड़ी देर पहले तो होकर आई हूँ। समी सो रहा था और कौशल टीवी देख रही थी। फीडर भी बहुत गंदा था समी का, मैं डांट कर आई हूँ उसे। अब आपने फोन किया कौशल को? हो सकता है समी को बाहर लेकर गई हो, बहुत शौकीन है वो घूमने फिरने की। फोन तो नहीं किया मैंने। आप मेरे साथ चले? हाँ मैं चलती, मैं चादर पहन के आती हूँ। ठीक है मैं आ रही हूँ। तो फोन भी नहीं उठा रही है। या अल्लाह, आ जाए ज़ेबा बहन, जल्दी करें। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिली। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि आपने बगैर छानबीन के इतने छोटे से बच्चे के लिए आया रख कैसे ली? वो बच्चा तो बेजबान है, कुछ बता भी नहीं सकता। मैं क्या कहता, मेरी मजबूरी थी। अबरार भी परेशान नहीं हो, मैंने अजीम को कह दिया है, वो कौसर के घर का पता मालूम करने गया, आता ही होगा। ज़ेबा आंटी जी, कौसर के घर का बात चली गई। चले 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 अबरार। तुम छुट्टी कर लेती अभी, तुम्हारा कॉलेज जाना कोई इतना जरूरी तो नहीं था। तुम्हारी तो आजकल रेगुलर क्लासेस भी नहीं हो रही, तो फिर क्या मसला था? तुम जानती हो ना कि बाबा के ऑफिस के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है। उन्हें जॉब से निकाल दिया है, हम दोनों को मिलके उन्हें घर से रिलीफ देना होगा। मजबूरी है। और वो बच्चा? आप ही प्लीज यार, मुझे तुम्हारी तरह मजबूर होकर जीने का कोई शौक नहीं है। मेरी पढ़ाई और मेरा कॉलेज उस बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम्हें बहुत शौक है ना बाबा का ये लाडला बच्चा पालने का, तो पालो और छोड़ दो अपनी यूनिवर्सिटी। अभी तुम हद से ज्यादा बदतमीज हो गई हो। अभी बदतमीज नहीं, समझदार हो गई, अकल आ गई है मेरे अंदर। जज्बाती होकर जिंदगी नहीं गुजारी जाती, और जब हर बंदा अपनी खुशी का इरादा कर लेता है ना, तो फिर किसी को घास भी नहीं डालता। और फिर इसे अपने फैसलों का बोझ खुद उठाना चाहिए। हो जाओ खुश तुम दोनों। चला गया है समी, बोझ था ना तुम दोनों के लिए, उठा लिया उसका बोझ किसी और ने। तंग नहीं करेगा अब तुम दोनों को वो। जाओ जाओ, शाबाश। अबीर कोमल, आराम करो जाके, कोई नहीं रोएगा अब इस घर में। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? कौशल ऐसा कैसे कर सकती है? वो कितने दिनों से यहाँ आ रही थी। वो जाहिर है जब उसने देखा कि उसका कोई वाली वारस नहीं है, उसको कोई रोने वाला नहीं है, उसने मौका तलाश किया और ले गई उसे। पता नहीं किस जालिम के हाथ में होगा मेरा समी बेचारा। जाओ जाओ जाओ, मनाओ खुशियां, जाओ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हम लोगों ने समी को कोई नुकसान पहुंचा दिया, लग रहा वो ठीक हो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। तो गलती तुम दोनों की भी तो है ना, बिना सोचे समझे एक ऐसी औरत को घर में रख लिया जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी तुम लोगों को। तो ये तो बाबा ने किया है, हमें क्या पता था इस बारे? तुम पता करना चाहिए था ना यार, तुम लोग भी तो उसी घर में रहते हो। का बच्चा रो रहा है। अरे बाप का बच्चा रो रहा है। पीछे अरे भाई, पीछे अरे भाई, ये देखिए बच्चा छोड़ के आ रही है और भागकर। समी, इस वक्त सब ये मेरा बेटा समी, 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 मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा समी, मेरा समी, या अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, मेरा बेटा। आपके मसले का एक ही हल है मेरे पास। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी और आज भी कह रही हूं। आप शादी कर लें, वरना आपका बच्चा रुल जाएगा। अरे सेवा बहन, सौतेली माँ के होते हुए भी तो बच्चे रुल जाते हैं ना। और अभी तो शगुफ्ता का बिखरा सामान भी नहीं सिमटा, और आप कह रही हैं कि मैं उसकी जगह किसी और को दे दूं? नहीं, उसकी जगह देने को नहीं कह रही। वो आपके बच्चे की माँ थी और हमेशा रहेगी। ये बात सोचने में अच्छी लगती है, हकीकत में तो बच्चे को पालने के लिए माँ की जरूरत होती है, चाहे वो सौतेली से। अब देखिए, कुछ दिनों बाद अबीर और मोमिना की शादी हो जाएगी, उसके बाद तो आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। और फहमी से अच्छी माँ आपके बच्चे के लिए तो हो ही नहीं सकती। अब्रार भाई, इस वक्त इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे उसकी दुल्हन अम्मी के पास ले जाऊंगी। वो इसे गोद में लेने के लिए बहुत बेचैन हो रही है। वाह खाला, खालू तो बड़े मॉडर्न ढूंढे तुमने मेरे लिए, हैं? बच्चा पहले से ही गोद में। वाह भाई, तेरी तो लॉटरी निकल आई है। ये लो फैमी, प्यारा मुन्ना सा तोहफा। मेहर की रकम आप अभी अदा करेंगे या? जी, अभी अदा करूंगा। आप 5 लाख रुपए लिख लीजिए। देखा फैमी, मैंने कहा था ना कि ये शरीफ है लेकिन गरीब नहीं। अबरार हसन वल्द हसन सज्जाद फहमीदा बेगम बिनते साबिर अहमद को मेहर मुआज्जल सिक्का राजल वक्त मुबलिक 5 लाख रुपए के एवज आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? जी, कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? जी, कबूल है। Gel sen. Ya ben meraklı. बाबा, ताई, इसको मुझे देते हैं। दे दें। बाबा, मेरा भाई कहाँ चला गया था? तुम्हारी बड़ी बहन गुस्से की भी तेज हूं, तो प्लीज रोना नहीं बाबा। छोटा सा है ना, बिल्कुल देखिए बाबा। मैंने खाना बनाया आज, भिंडी गोश्त, मम्मी का फेवरेट। आज कॉलेज से जल्दी आ गई थी ना। अब मैं और समी घर पर रहेंगे साथ साथ। हाँ समी, दोस्ती करोगे ना मुझसे? हाँ देखिए बाबा हंस रहा है। अब बाबा ऑफिस जाएंगे और हम दोनों साथ रहेंगे, ठीक है? क्या हुआ बाबा, आप थक गए हैं क्या? समी को डॉक्टर के पास ले गए होंगे, है ना? आप फिक्र नहीं करें, अब से इसको डॉक्टर के पास मैं ले जाऊंगी। आप बस मुझे बता दीजिएगा। क्यों समी, साथ चलेंगे, ठीक है? आप फिक्र नहीं करें, बहुत सर पे चढ़ गई है ये। मैं इसको समझाऊंगी और इसकी कोई बात भी नहीं मानूंगी अब से। क्यों? हम दोनों साथ रहेंगे, मेरा प्यारा प्यारा सा समी। बाबा आप फ्रेश हो जाए ना, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? फिर हम साथ बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। अरे अंकल किसके साथ है? दादा वहाँ पे कपड़े भी हैं। हर चीज यहाँ पे मिलती है। पता नहीं, होगी कोई क्लाइंट या कुलीग, मैं नहीं जानती। क्लाइंट? इतनी तैयार क्यों आई है? कमाल है भाई, कुछ सीखो इनसे, ये होते हैं जिंदा दिल लोग। वाह, आपने तो मुझे यहाँ से कुछ दिलाया ही नहीं है। अरे कहाँ जा रही हो? सलाम दुआ तो कर लूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीते रहो। अरे उस दिन तो तुमसे बड़ी सरसरी सी मुलाकात हुई। अरे अब्रार साहब ये तो, हाँ तुम तो वही हो ना अब्रार साहब के होने वाले दामाद, मोमना के मंगेतर हो ना? है अब्रार साहब? अरे मुझे बताया था अज़ेबा ने तुम्हारे बारे में। भाई तुम तो बहुत ही जबरदस्त प्यारे लड़के हो। अरे भाई मोमना तुम कैसी हो? है यहाँ पे? अच्छा भाई छोटे बेबी के लिए शॉपिंग करने आए हो? है जी, वो एक्चुअली मैंने उसको कोई गिफ्ट नहीं दिया था तो बस उसी के लिए लिया। बेटा आप लोगों ने सोचा होगा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। वो मैंने सोचा कि मैं भी समी के लिए कुछ चीजें भी खरीद लूं। अरे भला के सादा इंसान है, अब इनको क्या पता कि बच्चों की शॉपिंग कैसे होती है। तो मैंने ही कहा कि फिक्र मत करें मैं करा देती हूँ ले जाके आपको शॉपिंग। अरे समी माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है ना, तो इसकी उम्र में कपड़े जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। और वैसे भी एक ही फीडर तो अच्छा नहीं होता ना बच्चे को देना, जरा दो चार फीडर घर में रखे होने चाहिए। क्यों भाई? जी थैंक यू, आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी मैं। आई थिंक आप लोग अभी आए हैं, प्लीज कैरी ऑन। मैं मोमिना को घर ड्रॉप कर दूंगा। बहुत शुक्रिया आपने समी के बारे में इतना सोचा, वैसे आजकल कोई सोचता नहीं है। थैंक यू। फहमीदा बिन्ते असलम खान को अब्बार अहमद की ज़ौजियत में दिया जाता है। हारा दिल सजना में, हारा दिल सजना में, सजना